हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव इन डिजायर। मैं हूं रिया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मिस क्लियर पर्ल आईलाइनर इन द शेड ग्लिटर गोल्ड की रिव्यू। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है गाइस। यस, मैं इस आईलाइनर को यूज करके एक लुक भी क्रिएट किया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है एंड इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, देन जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड उससे पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड उसके पास जो बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर लें, ताकि मेरे सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपके लिए आपको मिलते रहे एंड मेरी कोई वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिस क्लियर की पर्ल आईलाइनर की जो कंटेनर है उसके बाहर इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, मिस क्लियर पर्ल आईलाइनर। और नॉर्मल जेल ग्लिटर आईलाइनर जैसा होता है कंटेनर, उस टाइप का ही कंटेनर है इसका भी। गाइस, ये जो कंटेनर है ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, तो एग्जैक्टली अंदर जो शेड है बाहर भी वैसा ही दिखता है। तो बाहर से ही देख के आपको इसके बारे में जो शेड जो जैसा शेड चाहिए लाइक जो शेड आप चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको इसके बिल्कुल बैक साइड में एक स्टिकर में मिल जाएगा, जो कि वाइट कलर की एक स्टिकर है और इसमें आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये जो पर्ल आईलाइनर है 16 ग्लिटर गोल्ड शेड नंबर है इसका, और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 06/2019 से यूज बिफोर 05/2022 तक, यानी कि 3 ईयर्स तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो MRP है 250 रुपीज़ है और आपको नेट वेट मिलता है 5 ग्राम्स का। तो प्राइस वाइज मुझे इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि 250 रुपीज़ में सिर्फ 5 ग्राम्स का प्रोडक्ट्स मिलता है, तो प्राइस वाइज ये मुझे थोड़ा सा हाई लगता है। और इस प्रोडक्ट को मैंने लिया है अमेजोन से और मैंने कोई भी ऑफर प्राइस में नहीं लिया है, 250 रुपीज़ ही मुझे पड़ा है। और इसका जो शेड नंबर है इसके जो कैप है उसके ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा, गोल्ड ग्लिटर गोल्ड 16 एंड इस तरीके से एक एक्स्ट्रा स्टिकर में भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। सो ये जो शेड है ग्लिटर गोल्ड थोड़ा सा ग्रीनिश येलो इश टाइप ऑफ गोल्डन शेड है, और जो एप्लीकेटर है काफ़ी अच्छी एप्लीकेटर है, काफ़ी लॉन्ग है तो ग्रिप भी अच्छे से मिल जाती है। सो मैंने इसे इस तरीके से हाथ पे अप्लाई करके दिखाया आप लोगों के साथ सामने। लाइक जो जेल है वो ट्रांसपेरेंट है और जो ग्लिटर्स है थोड़ा सा येलो इश ग्रीनिश काइंड ऑफ शेड है। ग्लिटर्स है काफ़ी अच्छे स्पार्कलिंग ग्लिटर्स है, काफ़ी अच्छा स्पार्कल दिखता है। और मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करके भी दिखाया आप लोगों के सामने कि अच्छे से ग्लिटर स्पार्कल कर रहा है, तो आप इसे आई शेडो के ऊपर एज अ ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आई शेडो को की जो बेस है उसे सेट कर लिया है कंसीलर और कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शेड को अप्लाई किया है एज अ ट्रांजिशन शेड। और ये जो ब्रश मैंने यूज़ किया है यहाँ पे पूना स्टोर की फ्लैश शेडर आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। एंड गाइस, मैंने इसे ट्राई करके देखा, ये वाटरप्रूफ तो है क्योंकि लाइक फेस वॉश करने के बाद भी इसके जो ग्लिटर्स है वो बिल्कुल भी फेस से इजीली नहीं हटती है, बट ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ नहीं है। तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद लाइक बहुत सारे लेयर्स अप्लाई करने के बाद ये स्मच प्रूफ हो जाए, बट उतना ज़्यादा स्मच प्रूफ नहीं है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जेल आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है, बहुत थिकली मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इनर एंड आउटर कॉर्नर को शार्प लुक देते हुए। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे जो ग्लिटर गोल्ड पर्ल आईलाइनर है मिस क्लियर की उसे इस तरीके से अप्लाई किया है आईलाइनर को बॉर्डर करते हुए, और इसे काफ़ी अच्छा एक पार्टी लुक आता है। बहुत ही सिंपल एंड ईजी है बट बहुत अच्छा एक पार्टी लुक आता है, तो अगर आप इस तरह की लुक क्रिएट करना चाहते हैं देन गो फॉर इट, क्योंकि ये पार्टी के लिए एंड किसी भी कॉलेज गोइंग गर्ल या फिर कोई भी नाइट आउट के लिए काफ़ी अच्छा है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पे फेक आईलैशेस को अप्लाई करने के बाद मस्कारा को अप्लाई कर लिया अपनी लो आईलैशेस पे, एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हिलरी रोडर की आईलैशेस। बिकॉज ये जो जेल आईलाइनर है मुझे काफ़ी पसंद आया है, इसकी जो शेड है ग्लिटर गोल्ड वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, बट इसकी जो क्वान्टिटी है वो मुझे प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई लगा, अदरवाइज इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा गाइस।